अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज सफी विद यू। दोस्तों आज मैं दूसरी एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। हमारी ये सीरीज जो कि लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म की दुनिया आप तक पहुँचा रही है रमज़ान मुबारक के महीने में। दोस्तों मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इन तमाम बातों को लाजमी किसी एक या दो शख्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि इसका सवाब आपको भी मिले और सुनने वाले को भी मिले और हम सबको इसका अजर मिले। जैसे कि मैंने पहली एपिसोड में बात की थी कि लीडरशिप के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ हों, जिसमें मैंने बहुत सारी बताई थी, फेथ, कमिटमेंट, टीम बिल्डिंग और बहुत सारी। तो उसमें जो सबसे पहली है वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेथ। तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे कि ये क्वालिटी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में किस तरह मौजूद थी और उसमें कुछ मुख्तलिफ वाक़ियात का ज़िक्र करेंगे। दोस्तों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन ये समझ लें कि 13 साल मक्का में गुजारे और उनको बार बार डिसअपॉइंटमेंट्स हुई, बार बार उनकी ज़िंदगी में सख्तियाँ आईं और फेलियर्स भी आए, लेकिन वो कभी भी अपने इस मिशन से पीछे नहीं हटे जो अल्लाह ने उनके सुपुर्द किया था। वो रात भर इबादत करते और दिन भर लोगों को दीन की तरफ बुलाते एनर्जी के साथ, कमिटमेंट के साथ, और कभी भी उनके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया, कभी भी उनको किसी पे गुस्सा नहीं आया दीन की दावत देते हुए, और उन्होंने इतनी उम्दा मिसालें कायम की जो हम सब के सामने मौजूद हैं। अगर हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेथ की बात करें, देखिए मोस्टली आप सुनते होंगे, अगर आप किसी से पूछें कि फेथ क्या होता है, लोग बोलेंगे बिलीफ को कहते हैं। अब बात हो रही है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उसके लिए ये कहा गया कि फेथ का मतलब है फेथ इज नोइंग। आप कहते हैं ना आई नो यू, वो वाला नो है ये नोइंग। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बिलीव का होना उस यकीन के साथ और बगैर किसी डाउट के साथ कि ये होना ही होना है, यानी कि इसको ये कह सकते हैं फुल सर्टेनिटी एंड विदाउट एनी डाउट। जो मैं अभी आपको बता रहा था उसी को मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ ताकि दोनों सुनने वालों को आसानी हो जाए, चाहे इंग्लिश हो चाहे उर्दू हो। तो उसको कहते हैं फेथ इज नोइंग। ये वो मिसाल थी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मौजूद थी। अब यहाँ पे एक डायग्राम आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जो मैं आपके मेरे लेफ्ट पे दिख रही है आपको, इसमें ये बताते हैं कि देखें फेथ तो बिलीव को कहते हैं, इस्लाम में इसको तवक्कुल कहते हैं। तो इस फेथ में जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में था, उसमें सबसे बड़ी चीज़ थी मोहब्बत अल्लाह से, अल्लाह के साथ ख़ास कनेक्शन का होना। उसके अलावा फॉरगिवनेस एंड हेल्पफुलनेस, यानी कि सब्र करना और अल्लाह का शुक्र अदा करना। और उसके साथ एक और चीज़ थी, वो थी रिपेंटेंस, यानी कि गुनाहों से तौबा करना। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं तवक्कल की। तवक्कल के लिए जो यहाँ मिसाल दी गई उसमें दो हैं। एक दुनियावी मिसाल दी गई, उसमें ये बताया जाता है कि World War II में एक जर्मन सिपाही ने अपने मेजर से कहा कि मेरा एक दोस्त जो है वो मर चुका है, वहाँ मैदान में उसकी लाश पड़ी है, मैं चाहता हूँ कि उसको उठा कर लाऊँ। तो उसके मेजर ने बोला तुम क्यों अपनी जान को रिस्क में डालते हो जबकि तुम्हें पता है वो वहाँ पे उसको मर चुका होगा, उसके लिए क्यों अपनी जान रिस्क में डालते हो। उसने बहुत इसरार किया तो आखिरकार उस मेजर ने उसको इजाज़त दे दी। फिर वो गया और उस लाश को वापस लेके आ गया। तो फिर मेजर ने दोबारा पूछा क्या तुम अभी भी ये समझते हो कि तुमने अपनी जान को रिस्क में डाल के इसको जो लेके आए ये सही काम किया? तो वो कहता है हाँ। वो कहता है कि जब मैं वहाँ गया तो मेरा ये दोस्त ज़िंदा था और इसने मेरी हाथों में अपना सर रखा और कहा कि मुझे यकीन था कि तुम मेरे पास ज़रूर आओगे मुझे लेने, और फिर उसकी मौत वाकिया हो गई। तो कहने लगा कि मुझे ये यकीन था कि वो ज़रूर ज़िंदा होगा और उसे ये यकीन था कि मैं ज़रूर आऊँगा। अब चूँकि हम बात कर रहे हैं दीन के मुताबिक, तो फेथ की मिसाल इन्होंने कुरान मजीद में किस तरीके से ये कोट की है उसका मैं तर्जुमा पढ़ देता हूँ आपको। ये है कि और जो कोई अल्लाह से डरेगा और अल्लाह उसके लिए मुश्किल से निकलने का रास्ता पैदा कर देगा और उसे ऐसी जगह से रिस्क अता करेगा जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होगा। ये एक फेथ की मिसाल दी गई है कुरान मजीद में कि इतना उस शख्स को अगर यकीन होगा और वो किसी भी मुश्किल में भी होगा तो अल्लाह उसके लिए रास्ते भी निकाल देगा और ऐसी जगह से रिस्क देगा जिसका उसको गुमान भी नहीं होगा। अब इसमें जो दूसरी बात हम करते हैं अपनी इस डायग्राम के मुताबिक वो है रिपेंटेंस की।
यानी कि तौबा की। अब तौबा देखें, कहते हैं कि उस एटीट्यूड को जो कि आप चेंजिंग के लिए क्रिएट करते हैं, एटीट्यूड फॉर चेंजिंग। अब यहाँ पे जो इसकी मिसाल दी गई है उसमें दो हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है कि उसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा बीबी हव्वा का ज़िक्र किया गया है, और दूसरे हिस्से में इबलीस का ज़िक्र किया गया है, शैतान का। जो पहला ज़िक्र है उसमें ये बताया जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा बीबी हव्वा को एक फल खाने के लिए मना किया गया था, लेकिन जो है वो उस गलती से उन्होंने वो फल खा लिया। लेकिन जैसे ही उनसे ये गलती हुई, वो फौरन अल्लाह की तरफ उन्होंने रुजू किया और अल्लाह से माफ़ी मांगी, और जो है वो अल्लाह ने उनको माफ़ किया, और उन्होंने अब यानी कि उनका जो एटीट्यूड था टूवर्ड्स रिपेंटेंस था, यानी कि उन्होंने अल्लाह से तौबा की और माफ़ी मांगी। उसके लिए जो ये कुरान में बताते हैं, जो इन्होंने कोट किया है, वो ये है कि दोनों भूल उठे के ऐ हमारे परवरदिगार, हम अपनी जानों पर जुल्म कर गुजरे हैं, और अगर आपने हमें माफ़ ना फरमाया और हम पर रहम ना किया तो यकीनन हम नामुराद लोगों में शामिल हो जाएंगे। इससे वो ये जाहिर करना चाहते हैं कि उनका जो एटीट्यूड था वो टूवर्ड्स चेंज था, और उन्होंने अल्लाह से फौरन माफ़ी मांगी, और फिर अल्लाह ने उनको एक तो उनको भी गाइड किया और उनको पूरी दुनिया के लिए ज़रिया बनाया गाइडेंस देने के लिए। अब यहाँ जो दूसरा हिस्सा इबलीस का है उसमें बताते हैं कि जब उसने गलती करी तो उसने ना अल्लाह से माफ़ी मांगी और ना ही उसका एटीट्यूड जो था वो रिपेंटेंस की तरफ था, बल्कि उसने क्या कहा, और उसकी ये मिसाल ये कुरान में इस तरह कोट करते हैं कि उसने कहा, मुझे उस दिन तक ज़िंदा रहने की मोहलत दे दे जिस दिन लोगों को कब्रों से ज़िंदा करके उठाया जाएगा। यानी कि उसका एटीट्यूड जो है वो रिपेंटेंस का नहीं था बल्कि बगावत का था, इसीलिए वो जलील ख्वार हुआ। तो ये रिपेंटेंस की और यहाँ पे कुछ मिसालें दी गई हैं। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं तौबा और इस्तगफार में क्या फ़र्क है, उसके लिए बताते हैं कि तौबा तो उसको कहते हैं कि यू टर्न टूवर्ड्स, ये एटीट्यूड है, और इस्तगफार द वे यू टर्न टूवर्ड्स, यानी कि आपने इरादा कर लिया कि मैं अल्लाह से तौबा करूँगा, लेकिन अब उस तौबा के लिए आप क्या करते हैं, यानी नमाज़ पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं, हज करते हैं, उम्रा करते हैं, तो उसको जो है इन्होंने बताया कि द वे टू डू इट इज़ इस्तगफार। अब यहाँ पे देखिए, फेथ की मिसाल यहाँ पे इस तरह भी है, आप सभी जानते होंगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा की पहाड़ी के ऊपर चढ़कर कुरैश को और सब लोगों को जमा किया और पूछा कि बताओ कि अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि एनिमी एक आ रही है और तुम पे अटैक करेगी, सबने कहा हम आप पे यकीन करते हैं, हमने आज तक आपके से कभी कोई गलत बात नहीं सुनी, हम सब पक्का यकीन करते हैं। तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ कि तुम इन बुतों को छोड़ रहे हो, अल्लाह की जो है वो सामने गिर जाओ, सजदा रेज हो जाओ, अल्लाह की इबादत करो, वरना बहुत सख्त पनिशमेंट मिलेगी। तो उस शख्स सब जो है वो अल्लाह के नबी के दुश्मन हो गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेथ ऐसा था, वो बहुत कन्विंसिंग था। उसकी मिसाल जो है वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वाक़े से बताते हैं कि उन्होंने जब हज़रत उमर को ये पता लगा कि उनके जो सिस्टर हैं और उनके जो हस्बैंड हैं वो भी मुसलमान हो चुके हैं, वहाँ चले गए, उन पर हमला किया, और लेकिन जब उन्होंने कुरान की आयतें पढ़ी तो फिर जो है इस्लाम की तरफ वो रागिब हो गए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो वहाँ पर उनको ये पता लगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी अल्लाह से कि या तो ये उनका नाम क्या था, अमर बिन हिशाम या फिर उमर बिन ख़त्ताब, दोनों में से अल्लाह आप जिसको ज़्यादा पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, को इस्लाम की कुव्वत बना दे। तो वो अल्लाह के नबी की दुआ की वजह से जो है वो उनको हिदायत मिली और वो दीन में दाखिल हुए। तो ये ऐसा फेथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो मैंने शुरू में कहा कि इट्स नॉट ओनली बिलीव, इट्स नोइंग। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने आज जिक्र किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में किस तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेथ था, जो कि एक लीडरशिप की बेहतरीन क्वालिटी है। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम अपनी वीडियो के आखिर में एक हदीस ज़रूर पढ़ा करेंगे, क्योंकि रमज़ान का महीना है तो रोज़े से मुतालिक ज़रूर एक हदीस पढ़ेंगे, ताकि आप भी उसको आगे शेयर कर सकें और हम सबको फ़ायदा हो। तो जो आज की हदीस है वो इब्ने माजा से है, उसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया
जब रमजान की पहली रात होती है तो शयातीन और सरकश जिन्नात जकड़ दिए जाते हैं और दोजख के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और इनमें से कोई भी दरवाज़ा खुला नहीं रहता और जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं, इनका कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता। और अल्लाह के मनादी पुकारता है कि ऐ खैर और नेकी के तालिब कदम बढ़ा के आ, और ऐ बदी और बद किरदारी के शायक रुक आगे ना आ। और अल्लाह की तरफ से बहुत से गुनहगार बंदों को दोजख से रिहाई दे दी जाती है, यानी इनकी मगफिरत का फैसला फरमा दिया जाता है, और ये सब रमज़ान की हर रात में होता रहता है। तो दोस्तों, इस रमज़ान के महीने को भरपूर तरीके से इबादत में गुजारें। जो आज हमने बातें सुनी उनको लाजमी दूसरों के साथ शेयर करें, और जो है वो मुझे भी दुआओं में याद रखें, इनकी दुनिया को भी दुआओं में याद रखें। आपका दोस्त सफ़ी, अस्सलाम वालेकुम।